70 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसा सितारा चमका जो कई दशकों तक अपनी चमक बिखेरता रहा। उसका स्टाइल, अंदाज और शानदार एक्टिंग का जादू लाखों करोड़ों दिलों पर चला। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है हरफनमौला और टैलेंटेड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की। 70 के दशक में अपनी पहली ही फिल्म मृगया के जरिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया है और अपने दौर की लगभग हर हीरोइन के साथ वो दिखे हैं। लेकिन फिर भी मिथुन की ढेर सारी फिल्में बनने के बावजूद लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की उन फिल्मों की जो अनाउंस होने और बनने के बावजूद बॉक्स ऑफिस की शक्ल नहीं देख पाई। चलिए आज मिथुन दा की ऐसी ही फिल्मों के बारे में जानते हैं। मिथुन चक्रवर्ती की वो फिल्में जो नहीं हो पाई रिलीज। मिथुन चक्रवर्ती को लेकर 1985 में बनी फिल्म मोहब्बत और मुकद्दर में ढेर सारे सितारे थे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। 1977 में फिल्म पुर्नमिलन सारिका के साथ, 1977 में आनंदमय सारिका के साथ, 1987 में गोविंदा के साथ अनाम फिल्म, 1997 में वक्त का फैसला, 1998 में परमेश्वर, 1985 में रैम्बो, 1980 में रुताए रुत जाए डिंपल कपाड़िया के साथ, 1983 में लुच्चा लफंगा, 1992 में जैबा बख्तियार के साथ अनाम फिल्म, 1991 में फिल्म शोबिज अमृता सिंह, 1989 में गंगा पहलवान, 1995 में सड़क छाप, 1981 में जॉन जानी जरनादन, 1992 में काला साम्राज्य ग्रीना राय, 1995 में जालिम जमाना, 1988 में अमीरों का दुश्मन, 1992 में क्रांतिकारी जयाप्रदा के साथ, 1988 में रिश्ता माधुरी दीक्षित के साथ, 1989 में दुश्मन सुहाग का रेखा के साथ, 1983 में तालीम मुनमुन सेन के साथ, 1981 में कसम से, 1981 में इश्क मोहब्बत प्यार जरीना बहाव के साथ, 1979 में जन्म और कर्म, 1978 में मर्डर इन ट्रेन काजल किरण के साथ, 1979 में मुन्ना मुन्नी और माँ, 1979 में भगिनी शर्मिला टैगोर के साथ, 1992 में दानवीर मधु के साथ, 1980 में 100 दिन सास के ग्रीना राय के साथ जैसी फिल्में अनाउंस हुई और कुछ तो कई रील तक बन भी गई, लेकिन आखिरकार ये रिलीज नहीं हो पाई। मिल चुका है डांसिंग स्टार का दर्जा। आपको बता दें कि मिथुन ने अपनी एक्टिंग के दम पर 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले एक्टरों में गिने जाते हैं। मिथुन दा ने हिंदी के साथ साथ उड़िया, बांग्ला और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। अपने दौर में शानदार डांस करके डांसिंग स्टार का दर्जा पाने वाले मिथुन छोटे पर्दे पर भी शानदार तरीके से नजर आए और उनकी भूमिका को काफी सराहा गया। 80 के दशक में उनकी फिल्म डिस्को डांसर ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 80 के दशक से लेकर अब तक मिथुन लगातार स्क्रीन पर दिखते रहे हैं और हालिया सालों में वो डांस रियलिटी शो में बतौर जज की भूमिका में टीवी पर काफी लोकप्रिय हुए।